हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितीश और आप देख रहे हैं फोर्स यानी कि एजुकेशन फोर्सेबल। चलिए शुरू करते हैं आज किस वीडियो को। दोस्तों, लेबोरेटरी की टेस्ट टू, लेबोरेटरी टेस्ट मैं बता रहा था, उसमें टेस्ट टू जो होता है दोस्तों, साउंडनेस का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में सिमिल के पार्ट में बताया था, बट मैं आज ही बताता हूँ कि साउंडनेस का मतलब होता है वो पोजीशन जहां से सीमेंट डैमेज नहीं हो सकता। तो आज मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि मतलब हम लोग ऐसा कौन सा रेंज का सीमेंट लेंगे, कौन सी टेस्ट साउंडनेस की टेस्ट का वैल्यू लेंगे जो सीमेंट मेरा हमेशा सेफ रहे, वो कभी डैमेज ना हो। तो आज का बस यही टॉपिक है, पार्ट टू सीमेंट की लेबोरेटरी टेस्ट की सेकेंड नंबर है साउंडनेस टेस्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि एक लीचेटर या एपरेटस हम लोग यूज करते हैं इस टेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए। लीचेटरिया का मतलब मैं कैसे बताऊं कि आप एक पानी का बोतल जो भी आप यूज करते हो उसको आप बीच से कटिंग कर दो, उसके बाद आप क्या फाइंड करोगे कि एक गॉल्स कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। इस तरीके एक आपको बॉल्स मिल जाएंगे, आप जब बीट्स से कटिंग कर दोगे सीमेंट वाटर की सॉरी वाटर बॉटल की, तो आपको कुछ इस तरह से मिल जाएंगे। इसमें आप क्या करते हो कि जो भी ब्लेड, सपोज ये मेरी दोनों बॉटल की कटिंग, दोनों एजेस हो गए, ये एक एज एक एज, अब दोनों के बीच में क्या करो कि ये जो मेरी एज हुए उसमें आप इधर से और इधर से एक इंडिकेट, मतलब एक कुछ इंडिकेटर टाइप के, मान लो मैं इससे पेन को सटा दिया, अब मैं जो आप इमेजिंग कर रहे हो कुछ इस तरीके से, बीच में एक गॉल्स और दोनों साइड साइड में एक लगे हुए दो कुछ भी कीले या फिर इंडिकेटर, जर्नलिस्ट में इंडिकेटर यूज होता है, इसे बोलते हैं इंडिकेटर, ये लगा हुआ सपोज ये मेरी इस तरीके का है। और दोस्तों, तो इसे हम लोग लीच एटरिया एपरेटस बोलते हैं, ड्राइंग कुछ इस तरीके की होती है, ली चेक लियर एपरेटस। इसकी जो ये मैं जिस इसका ये क्रॉस सेक्शन में यहां मैं निकाल कर रखा हूं, ये 30 mm इसकी होती है, ये 30 mm, और इसे इंडिकेटर बोलते हैं इंडिकेटर। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है 165 mm। तो इसकी डायमेंशन में बता दिया लीचेटरिया एपरेटस के बारे में। अब मैं टेस्ट कैसे करूंगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप एक सीमेंट का पेस्ट बनाओ, क्योंकि आप सीमेंट के साउंडनेस टेस्ट का फाइंड आउट कर रहे हो, आपको सीमेंट की टेस्ट बनाना पड़ेगा, पेस्ट बनाना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप, लेट 400 ग्राम, सपोज 100 ग्राम, 100 ग्राम आपने सीमेंट लिया, सीमेंट सैंपल आपने लिया, 100 ग्राम सीमेंट सैंपल लिया। अभी नेक्स्ट क्या करना है कि 0.078 पी, ये पी वो है वेयर पी इक्वल्स टू नॉर्मल कंसिस्टेंसी वैल्यू, मतलब आपने जितना पानी आपने नॉर्मल कंसिस्टेंसी यूज करते समय आपने लिया था उसका 0.78 टाइम्स, यानी कि अगर आपने कितना लिया था 0.78, पानी का कितनी परसेंटेज आपने ली थी, अब वो पहले वो टेस्ट करोगे उसके बाद इसका वैल्यू आएगा जो भी। लेट सपोज आपने 125 ग्राम आपने वाटर यूज किया था, तो उसकी इतनी वैल्यू अभी इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 0.78 into 125, ये तकरीबन 97.5 ग्राम, 97.5 ग्राम ऑफ वाटर मिलाकर एक पेस्ट बनाओगे, सीमेंट की पेस्ट, सीमेंट पेस्ट। पेस्ट बनाने के बाद आप क्या करोगे कि इस मोल्ड में आप डाल दोगे, ओके, मोल्ड में डालने के बाद आप क्या करोगे, उसे करना क्या है कि आप सीमेंट की पेस्ट बना लिए, अब उसे क्या करोगे
कि 24 आवर्स के लिए पेस्ट को, ये जो मोल्ड है उसे मोल्ड में सीधा मोल्ड को इसके इसमें लिटरली अपरेटस लगाकर, ये जो भी मैं आपको बोला किस तरीके से रहेंगे उसे आप पानी में ही मर्ज कर दोगे मोल्ड, पुट इट इनटू वाटर, मोल्ड पुट इनटू वाटर फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स के लिए आप इसे वाटर में डाल दो। वाटर में डालने के बाद जब आप उसे निकालोगे वाटर से, तो उसकी रीडिंग चेक करो, ये जो वैल्यू होगी दोनों की इंडिकेटर की उसे आप चेक करो थ्रू मीटर स्केल या फिर टेप, आप उसकी दोनों की वैल्यू जो होगी उसमें कितना डिफ्लेक्शन आया है, कितने वो फैल गए हैं या सिकुड़ गए हैं उसके आप चेक करो, उसके मेजरमेंट होगी कितने वो मेजर किए, उसके बाद क्या कर कितने वो अपने जगह से डिफिएट किए। नेक्स्ट क्या करो इनटू बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर दैट इज 105 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप उसे वाटर में डाल दो, उसको 24 आवर्स के बाद, 24 आवर्स नहीं 35 मिनट्स के बाद आप उसे फिर से बाहर निकालो और फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर में उसे ठंडे होने दो। ठंडे होने के बाद फिर से उसकी स्केल जो भी उसके जो इंडिकेटर है उनकी डेविएशन को फिर से आपको मेजरमेंट लो। अब देखो उसमें कितने डेविएशन हुए हैं, अगर 10 mm से ज्यादा का आपको अंतर मिल रहा है तो वो मेरी सीमेंट अच्छी नहीं है, क्योंकि आप बिफोर रीडिंग लो और आफ्टर रीडिंग लो। अगर बिफोर का जो भी मैंने 165 लिया था, अब उसमें से अगर 10 mm से ज्यादा 175 तक ही ये एक्सेप्टेबल है या फिर उसी 10 mm तक ही वो एक्सेप्टेबल है, और उससे ज्यादा हो गया वो मेरी सीमेंट अच्छी क्वालिटी की नहीं है, खराब क्वालिटी की, बैड क्वालिटी की, हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। अभी मैं कुछ आपको सीमेंट की टाइप्स में बताया नहीं हूँ, खैर फिर भी मैं 3 टाइप की सीमेंट का भी बताऊंगा और उसकी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन कितने इसमें डेविएशन अलाउेबल है जो कि हम लोग साइट पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों तो ये कुछ सीमेंट में टाइप्स ऑफ सीमेंट बता देता हूँ आपको, टाइप्स ऑफ सीमेंट एंड अलाउबल और एज डिस्टेंस, अलाउबल और एज डिस्टेंस, मतलब कितने डिस्टेंस अलाउबल हुए परमिशिबल है जो कि हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप ओपीसी सीमेंट यूज कर रहे हो तो नॉट मोर देन 10 mm, अगर आप क्विक सेटिंग सीमेंट यूज कर रहे हो तो इसमें आप नॉट मोर देन 5 mm अलाउ कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट हाई एलुमिना सीमेंट यूज कर रहे हो इसमें भी नॉट मोर देन 5 mm आप यूज कर सकते हो। जो भी इसका ओवरऑल जो मैं आपको बता दूं, ओवरऑल मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बता दूं कि क्या है कि जब आप बिफोर मेजरमेंट करने से पहले आप जो भी लेंथ लिए L1, लेट सपोज अब जो मैंने अपरेटस दिखाया था आपको यहाँ पे ड्रॉइंग बनाकर, लेट सपोज वो L1 था और L2 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टेस्ट, लेट सपोज दिस L2, तो L2 माइनस L1 10 mm से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 10 mm तक ही एक्सेप्टेबल है फॉर ओपीसी एंड हाई एल्यूमिनियम के लिए 5 mm और क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए 5 mm, इस तरीके से अलाउबल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो मेरी जरूर अच्छी लगी होगी, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।